हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाए हैं मॉर्निंग में कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो है, देश में पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में, यानी देश की जो पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल विद्युत परियोजना जल आपूर्ति परियोजना है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो बाइडन अमेरिका का कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो बाइडन है, जो अभी तक हमारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इससे पहले वो थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं जो बाइडन। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये हैं फ्रेंड आपके 46वें नंबर के। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर है 46वें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में जो पुस्तक पब्लिश हुई है टिल द विन, किसके द्वारा लिखी गई है, यानी टिल द विन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा, ऑथर कौन है इसके। ठीक है, तो इसके ऑथर है फ्रेंड रणदीप गुलेरिया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवी की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अलसेन ओटारा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन यूकेएससी, यूके ट्रिपल एससी या यूके पीसीएस बहुत पूछता है फ्रेंड, तो करंट अफेयर पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा, अलसेन अटारा जो बने हैं राष्ट्रपति, वो बने हैं आइवरी कोस्ट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवीं की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है फ्रेंड हमारा, किस राज्य की लीची को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, हाल ही में जीआई टैग की घोषणा की गई, वो किस राज्य के लिए की गई, वो की गई असम। ठीक है, असम राज्य के लिए तेजपुर एक जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां है फ्रेंड हमारा, किस राज्य में रो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो रो फेरी जो सेवा है फ्रेंड, वो है गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश में अस्थाई रोक लगाई है। ठीक है, इसका सही आंसर है फ्रेंड चीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौवां, किस भारतीय मूल की महिला ने न्यूजीलैंड में मंत्री बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, न्यूजीलैंड में एक मंत्री बनी है, भारतीय मूल की महिला है, उसका सही आंसर है फ्रेंड प्रियंका राधा कृष्णन। ठीक है, प्रियंका राधा कृष्णन जी जो है वो न्यूजीलैंड में मंत्री बनकर उन्होंने इतिहास को रचा है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दसवीं की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दसवां है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट कर दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड 100%, यानी जो कर रहेगा वो उस पर 100% की छूट तमिलनाडु सरकार ने कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग्यारहवा है फ्रेंड, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किससे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर है फ्रेंड ल्यूक रोंकी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बारहवा और हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है फ्रेंड, मध्य प्रदेश के जिस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया वह कौन सा है। तो वो जो रिजर्व है फ्रेंड, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का आइकन दबा बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, वॉच दिस।